और भाई तभी मुझे पता चला कि यार ये एक डिब्बा होलसेल रेट में कितना महंगा मिलता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 रुपए वाला जो ज्ञान किया आता है उसका एक डिब्बा कितने का आता है और एक डिब्बे में एक दुकानदार को कितने रुपए का फायदा होता है, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो भाई आज मैं खुद अपने दुकान के लिए एक डब्बा ज्ञान घी लेकर के आया 10 रुपए वाला, ठीक है, जो 10 रुपए वाला पाउच होता है वो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और भाई तभी मुझे पता चला कि यार ये एक डब्बा होलसेल रेट में कितना महंगा मिलता है और इसमें मार्जिन बहुत ही ज्यादा कम होती है। और भाई ऐसा भी हो सकता है अगर आप इस ज्ञान घी को किसी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हो तो आपको थोड़ा सस्ता मिल सकता है, वरना भाई मैं तो एक होलसेलर से ही खरीदा था जिस वजह से भाई मुझे काफी ज्यादा महंगा मिला है। तो अभी मुझे कितना महंगा मिला है चलिए वीडियो को देखते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो ये भाई एक डिब्बा घी का जार, ठीक है, 10 रुपए वाला देसी घी। तो सबसे पहले मैं आपको इसके पीछे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो 42 पीस, यानी कि इसके अंदर जो है 42 पाउच है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है। तो अभी मैं आपको इसे खोल कर दिखा देता हूँ। ये तो भाई इस एक पाउच के अंदर 13.5 ml का घी है, यानी कि भाई हम लोग कह सकते हैं कि 13.5 ml का घी है। और भाई ये एक पाउच 10 रुपए का बिकेगा, ठीक है। अब भाई ये एक डिब्बा मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे 380 रुपए का मिला है, ठीक है। भाई इसके अंदर है पूरे 42 पीस, ठीक है। तो भैया ये मुझे पड़ा है पूरे 9 रुपए का, ठीक है। अब इसमें अगर मैं इसे 10 रुपए में बेचूंगा, और भाई 10 रुपए में ही बेचना ही है, तो मुझे सिर्फ 1 रुपए का फायदा होगा। अगर आप ध्यान दोगे तो डिब्बे के पीछे MRP आप देख सकते हो 665 रुपए पड़ी हुई है। अब भाई इस डिब्बे पे 665 रुपए क्यों लिखे हुए हैं ये बात भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। लेकिन भाई एक चीज क्लियर है कि भाई इस एक डब्बे को पूरा बेचने के बाद मुझे 420 रुपए ही मिलेंगे। अब ये चीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके एरिया में ज्ञान कंपनी का घी बिकता है कि नहीं, और आप अपने दुकान पर ज्ञान कंपनी का घी बेचते हो कि नहीं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।